हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इनपुट डिवाइस का जो टॉपिक था वो क्लियर किया था और आज हम आपके लिए आउटपुट डिवाइस का जो टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं। क्लासेस जो हैं, फिलहाल हमारा कोई वैसे टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है कि फिक्स टाइम पर क्लासेस आ रही है, एक दो दिन लेट भी हो सकती है, लेकिन कोशिश रहेगी टिल लॉकडाउन तक आपका जो पटवार का या फिर राजस्थान पुलिस जो भी है उसका जो सिलेबस है कंप्लीट करवाया जा सके, कोशिश यही रहेगी। तो आप आगामी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। आज अपना टॉपिक जो है वो है आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस से जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि आउटपुट होता क्या है। आउटपुट होता क्या, आउटपुट जो है वो एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आउट दूसरा पुट। आउट का मतलब बाहर और पुट का मतलब रखना, बाहर रखना। आउट और पुट, आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब होता है रखना, यानी कि सीपीयू में प्रोसेसिंग के पश्चात जो डेटा प्राप्त किया जाता है या जो डेटा हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। सीपीयू में प्रोसेसिंग के पश्चात जो डेटा हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है, और जिस डिवाइस की मदद से वो प्राप्त होता है या जिस उपकरण की मदद से वो डेटा प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं या कितने प्रकार से अपने को डेटा मिलता है। तो हमें आउटपुट जो होता है वो तीन प्रकार से मिलता है, आउटपुट जो वो तीन प्रकार से मिलता है। एक हार्ड कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कौन सा, कि आप कोई कंपटीशन का फॉर्म भरवाने जाते हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको कंपटीशन फॉर्म भरने के बाद में आपको एप्लीकेशन स्लिप दी जाती है, तो आपको वो हार्ड कॉपी दी जाती है जिसको आप छू सकते हो। एक होता है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है जिसको आप केवल देख सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर की जो मॉनिटर जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर आप जो भी देखते हो वो सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी होता है जिसको आप छू नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो और केवल देख सकते हो या उसको समझ सकते हो। तीसरा होता है वॉइस कॉपी, वॉइस कॉपी, वॉइस कॉपी आउटपुट कौन सा होता है जिसे केवल सुना जा सकता है, जिसे केवल सुना जा सकता है। तो अभी हम तीन प्रकार के आउटपुट होते हैं, आउटपुट टोटल कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट होते हैं तीन प्रकार के, कौन कौन से, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और वॉइस कॉपी। आज अपन बात करेंगे इनके डिवाइसेस के बारे में, तो इनमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं, हार्ड कॉपी में कौन कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन से होते हैं और वॉइस कॉपी में कौन कौन से डिवाइस होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जनरली अपने को दो याद रखने हैं, कौन कौन से, पहला प्रिंटर और दूसरा प्लॉटर, पहला प्रिंटर और दूसरा प्लॉटर। प्रिंटर के बारे में अपन बात करते हैं कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर अपन किसको बोलते हैं, प्रिंटर क्या होता है। कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को जो डिवाइस कागज पर छापता है, कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को जो डिवाइस कागज पर छापता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर बोलते हैं, उसको सीधी सी बात है क्या बोलते हैं, प्रिंटर बोलते हैं। देखो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, जनरली प्रिंटर अगर हम बात करें तो प्रिंटर टोटल दो प्रकार के होते हैं, प्रिंटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में क्या फर्क है? इंपैक्ट का मतलब होता है टक्कर, इंपैक्ट का मतलब होता है टक्कर, और नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है बिना टक्कर के। इंपैक्ट का मतलब होता है टक्कर और नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है बिना टक्कर के। बात करते हैं इंपैक्ट की। मैंने बताया वो डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, वो डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का हिंदी में मतलब होता है टक्कर और नॉन इंपैक्ट का हिंदी में मतलब होता है बिना टक्कर के। अब छापने का काम करता है इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में आज अपन बात करते हैं। पहले तो इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर, जाहिर सी बात है इसमें जो भी प्रिंटर आएंगे वो किसके द्वारा काम करेंगे? टक्कर के द्वारा। इसमें प्रिंट हेड पर एक प्रिंट हैमर लगा होता है। इसमें जितने भी जो डिवाइस होंगे उनमें क्या लगा होता है? प्रिंट हैमर लगा होता है। प्रिंट हैमर, प्रिंट हैमर लगा होता है जिसकी मदद से क्या किया जाता है? अक्षरों की छपाई की जाती है, जिसकी मदद से अक्षरों की छपाई की जाती है। इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर में जनरली दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं। एक आता है लाइन प्रिंटर, दूसरा आता है करेक्टर प्रिंटर। पहला आता है लाइन प्रिंटर, दूसरा आता है करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कौन सा होता है? लाइन प्रिंटर होता है जो एक समय में पूरी एक लाइन एक साथ प्रिंट करता है। और करेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है? जो एक समय में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करता है। जैसे अपने कोर्ट में टाइपराइटर लगा होता है, सेम वो करेक्टर प्रिंटर ही होता है। उसमें आपने एक जो भी की प्रेस की वो डायरेक्ट सामने छप गई, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर, और इसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब देखो लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? लाइन प्रिंटर जो होते हैं वो जनरली तीन प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर जो होते हैं वो जनरली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला ड्रम प्रिंटर, दूसरा चेन प्रिंटर और तीसरा बैंड प्रिंटर। पहला ड्रम प्रिंटर, दूसरा चेन प्रिंटर और तीसरा बैंड प्रिंटर। तीसरा होता है बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर होता क्या है? इसमें एक ड्रम लगा होता है, एक बेलनाकार जो होता है वो ड्रम लगा होता है, और इस ड्रम पर जो है अक्षर खुदे हुए रहते हैं, अक्षरों की खुदाई की हुई रहती है। और जैसे यहां पे पेपर लगा दिया और पेपर के पीछे की साइड में प्रिंट हैमर लगा हुआ रहता है, और प्रिंट हैमर क्या करता है? अक्षरों पर प्रहार करता है, टक्कर देता है, अक्षरों पर टक्कर देता है, जिसकी मदद से क्या होता है? अक्षरों की छपाई होती है। दूसरे वाला चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में क्या होता है? एक चेन होती है पूरी, अक्षरों की एक पूरी चेन होती है, और चेन चेन पर जो है वो अक्षर खुदे हुए रहते हैं। चेन जो होती है चेन पर जो है अक्षर खुदे हुए रहते हैं। सेम ये वाला मेथड इसमें काम करता है। इसमें भी पेपर के पीछे की साइड में प्रिंट हैमर लगा हुआ रहता है, जिससे अक्षरों की खुदाई जो अपना चेन होती है चेन पर अक्षरों की खुदाई की हुई रहती है, और पेपर के पीछे की साइड में प्रिंट हैमर लगा हुआ रहता है, और प्रिंट हैमर से क्या होते हैं? अक्षर छपते हैं। प्रिंट हैमर क्या करता है? इस पर प्रहार करता है, टक्कर देता है, ठीक है। तीसरा है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर सेम चेन प्रिंटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें चेन के स्थान पर स्टील का बैंड लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसका नाम रहेगा बैंड प्रिंटर। दूसरी साइड में करेक्टर प्रिंटर होते हैं। करेक्टर प्रिंटर जो एक समय में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करने में सक्षम होते हैं, एक समय में केवल एक ही अक्षर इसमें प्रिंट होता है,
अब ये कौन कौन से होते हैं, ये पहला होता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा होता है, डेजी व्हील, इसका नाम पहली बात तो डेजी व्हील क्यों पढ़ा, डेजी व्हील इसलिए पढ़ा इसका नाम कि इसकी जो आकृति होती है इसमें एक पहिया लगा हुआ होता है, उसकी आकृति जो होती है वो इस तरह की होती है, जैसे डेजी का, डेजी बोलते हैं हिंदी में गुलमोहर, गुलमोहर का जो फूल होता है उसकी जैसे इसकी आकृति होती है, इस पर क्या है कि यहां पर ऐसे अक्षरों अक्षर खुदे हुए रहते हैं, यहां पर इसके जो शीर्ष होते हैं इसके टॉप पर अक्षरों की खुदाई की हुई रहती है, ये घूमता है और इससे अक्षरों की छपाई होती है। दूसरा आता है डेजी व्हील प्रिंटर के बाद में आता है अपना जो दूसरा जो प्रिंटर आएगा वो सबसे सस्ता भी है, जिसका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखा होगा जब आप रेलवे की टिकट बुक करवाने जाते हो या फिर टिकट लेते हो रेलवे की, तो उसमें सामने टीवीएस का या फिर कोई भी किसी भी कंपनी का एक प्रिंटर रखा होता है, वो इसे चिड़चिड़ाने की आवाज के साथ में प्रिंट करता है, उसको अपन बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सबसे सस्ता प्रिंटर होता है, लो कॉस्टली होता है, और ज्यादातर इसका यूज कहां पे किया जाता है, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है अपने रेलवे स्टेशन। इन दोनों प्रिंटर में क्या फर्क है, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो ग्राफ ओनली केवल टेक्स्ट छापने में सक्षम है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टेक्स्ट के साथ में ग्राफ भी छाप सकता है, ग्राफ का ग्राफ भी बना सकता है। ठीक है, ये थे अपने इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें जो भी मतलब जो भी प्रिंट होगा वो किसके द्वारा होगा, टक्कर के द्वारा, किसी ने किसी प्रिंट हैमर के द्वारा या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसमें टक्कर जरूर दी जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम है इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा प्रिंटर मैंने अभी आपको बताया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, कौन कौन से इसमें प्रिंटर होते हैं अभी बात कर लेते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो बिना टक्कर के कार्य करते हैं, जो बिना टक्कर के, यानी इनमें अलग टेक्नोलॉजी रहती है, इनमें अलग टेक्नोलॉजी रहती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी अलग रहेगी। ये प्रिंटर क्या है, पहली बात तो आवाज नहीं करते, वो चिड़चिड़ाने की जैसे आवाज करते थे, प्रिंट हैमर से जब प्रहार किया जाता था तो तड़ी की आवाज आती थी उसमें, तो इसमें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है पहला पॉइंट तो ये है कि ये आवाज नहीं करते, आवाज नहीं करते, आवाज जो है वो नहीं करते। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रहार नहीं किया जाता, टक्कर नहीं होती, टक्कर नहीं होती। और प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग में उनमें तो क्या था, प्रिंट हैमर के द्वारा, इनके द्वारा किया जाता था, इसमें क्या किया जाता है, प्रिंटिंग किसके द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी के द्वारा इनमें क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सी टेक्नोलॉजी पर प्रिंट करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी पर ये प्रिंट करता है। इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं और किन के द्वारा इनमें प्रिंटिंग होती है, उसके बारे में जस्ट अभी अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रिंटर कौन सा आता है, इसमें सबसे पहला प्रकार आता है इंकजेट में, सॉरी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर है तो इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग किसके द्वारा होगी, नाम से पता चल रहा है इंक के द्वारा, इनमें इंक के द्वारा जो है वो प्रिंटिंग होती है।
अब इंकजेट प्रिंटर कैसा दिखाई देता है, इसमें लिक्विड स्याही डाली जाती है, लिक्विड इंक डाली जाती है, लिक्विड इंक डाली जाती है, दोनों कलरों में ये अवेलेबल होते हैं, मोनोक्रोम भी और कलर्ड भी। कलर्ड भी, मोनोक्रोम और कलर्ड दोनों इसमें अवेलेबल है। मोनोक्रोम क्या होता है, मोनोक्रोम होता है कि एक ही कलर, आपने जो अपने शादी विवाह में कार्ड छापे जाते हैं वो देखे होंगे, उसमें केवल एक ही कलर का यूज किया था। अगर रेड कलर का है तो रेड ही रेड रहेगा, और अगर ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर का है तो वो ब्लू कलर ही रहेगा, सेम कलर रहता है, मोनोक्रोम बोलते हैं उसको, यानी कि एक ही कलर। मोनोक्रोम का मतलब होता है एक ही कलर, चाहे तो रेड डाल दो, चाहे ब्लैक डाल दो, चाहे ब्लू डाल दो, या फिर पिंक डाल दो। दूसरा होता है कलर्ड, इसमें जो कलर्ड प्रिंटर होते हैं वो आरजीबी वाले होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी कलर वाले इसमें जो होते हैं प्रिंटर होते हैं, और इसमें लिक्विड इंक डाली जाती है, तरल स्याही, तरल स्याही जो है वो इसमें डाली जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रिंटर वैसे खरीदने की दृष्टि से सबसे सस्ता प्रिंटर होता है, सबसे सस्ता तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा सस्ता प्रिंटर होता है, लेकिन ये महंगा कब बन जाता है, इसमें कार्टेज का यूज होता है, कार्टेज किसका यूज होता है, कार्टेज, कार्टेज इसमें कार्टेज का यूज होता है। कार्टेज क्या होता है, कार्टेज एक नोजल से जुड़ा हुआ एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से क्या है कि इसमें प्रिंटिंग की जाती है। कार्टेज क्या करता है, कागज पर स्याही की बूंदों का छिड़काव करता है, कार्टेज जो है वो पेपर पर जो स्याही की बूंदे हैं उसका छिड़काव करता है, जिसके द्वारा इमेज या टेक्स्ट इसमें छापे जाते हैं। तो कार्टेज जो है एक नोजल से जुड़ा होता है, अगर इसका अपन टाइमली यूज नहीं करते हैं तो नोजल में क्या है, जो स्याही है वो स्याही जम जाती है, नोजल में जो वो स्याही जो है वो जम जाती है और कार्टेज इसका खराब होने लगता है। इसकी वजह से ये जो प्रिंटर है वो थोड़ा महंगा भी है, कार्टेज की कार्टेज जो होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इस वजह से ये प्रिंटर कॉस्टली है, थोड़ा थोड़ा कॉस्टली है। दूसरा प्रिंटर आता है इसमें अपना लेजर प्रिंटर, दूसरा प्रिंटर आता है अपना लेजर प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो इंकजेट मोस्टली A4 पेपर पर प्रिंट करता है, मोस्टली A4 पेपर पर प्रिंट करता है। दूसरा आता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में जो अक्षरों की छपाई होती है, जो अक्षरों की छपाई होती है वो लेजर किरणों के द्वारा की जाती है, लेजर किरणों के द्वारा की जाती है, अक्षरों की जो छपाई होती है वो लेजर किरणों के द्वारा इसमें की जाती है, लेजर किरणों के द्वारा अक्षरों की जो छपाई है वो की जाती है। ज्यादातर ये जो प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंटर वो ऑफिशियली प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो ऑफिशियली यूज किए जाते हैं, ऑफिशियली जो होते हैं जो प्रिंटर वो यूज किए जाते हैं। अब लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो उसमें छपाई किस तरह से होती है, क्या उसमें टेक्निक लगती है, तो उसके लिए अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें तो कार्ट्रिज डाला जाता था, उसमें तो कार्ट्रिज इसमें टोनर डाला जाता है, टोनर, उसमें लिक्विड स्याही थी, इसमें जो स्याही है वो सूखी स्याही होती है, इसमें सूखी स्याही का यूज किया जाता है, और जो सूखी स्याही है वो टोनर में डाल, जो टोनर के द्वारा इसमें जो अक्षर है उनकी छपाई होती है। तीसरा अपना प्रिंटर आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में, तीसरा जो प्रिंटर आता है वो थर्मल प्रिंटर आता है, कौन सा प्रिंटर आता है, थर्मल, थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है, थर्मल का मतलब थर्मोडायनेमिक ऊष्मा, ठीक है। इसमें जो छपाई होगी वो जो इसमें अक्षरों की जो छपाई होती है, अक्षरों की छपाई करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, ऊष्मा का उपयोग यानी कि हीट का यूज किया जाता है, एक तरह से हीट का यूज किया जाता है। और इसमें जो पेपर लगाया जाता है वो नॉर्मल पेपर नहीं होता, वो हीट सेंसिटिव पेपर होता है, वो हीट सेंसिटिव पेपर जो होता है वो होता है। इसमें ना तो सूखी स्याही डाली जाती है और ना ही जो लिक्विड स्याही होती है वो डाली जाती है, इसमें जो पेपर लगा होता है पेपर ही स्याही टाइप का होता है कि हीट सेंसिटिव पेपर होता है। आपने डेयरी पर जो किसान भाई जो गाय भैंसों का जो दूध डाल के आते हैं तो उसमें एक स्लिप दी जाती है उनको,
ठीक है, जिसमें अक्षरों की जो छपाई हो जो निश्चित टाइम है तब तक ही रहती है, जैसे मान लो 2 महीने तक वो अक्षर छपे हुए रह सकते हैं, उसके बाद वो अक्षर वहां से गायब हो जाते हैं। तो हीट सेंसिटिव पेपर होता है, एटीएम की एटीएम में इसी का यूज किया जाता है, एटीएम मशीन जो होती है उसमें इसी का यूज किया जाता है, थर्मल प्रिंटर का ही। पोस मशीन जो होती है, जब आप राशन लाने जाते हो तो वहां पे पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है POS, इसका पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ठीक है। पोस पॉइंट ऑफ सेल पोस मशीन जो होती है उसमें भी थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। रोडवेज में आप जब सफर करते हो तो आपको टिकट दी जाती है, उसमें भी थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। आप जब शॉपिंग करते हो डेबिट कार्ड से आप या क्रेडिट कार्ड से आप जब शॉपिंग करते हो तो वहां पर भी आपको थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंटिंग करके दी जाती है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर आप क्या करते हो, पेट्रोल डलवाते हो और आप अगर पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड से या फिर उससे रसीद मांगते हो कि हमें रसीद चाहिए, तो आपको जो रसीद मिलती है वो भी थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट होती है। यानी कि इसका जो पेपर है वो चिकना पेपर होता है थोड़ा, और हीट को सहन करने वाला पेपर होता है। नेक्स्ट प्रिंटर कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रिंटर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इसमें आपको इतना याद रखना है कि ये जो प्रिंटर होता है ये बड़े फॉर्मेट की जो कॉपी होती है, बड़े फॉर्मेट में जो प्रिंटिंग करनी होती है उसके लिए इसको काम में लिया जाता है। बड़े जो फॉर्मेट होते हैं, बड़े फॉर्मेट में आपको अगर कॉपी निकालनी हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इसमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर को इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर, इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ये तो थे अपने हार्डवेयर डिवाइस में प्रिंटर का पार्ट, प्रिंटर अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रिंटर में थोड़ी सी चीज और रहेगी, वो क्या रहेगी अभी बताता हूं। पहली बात, प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो किस में मापते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अपना। प्रिंटर की जो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता को अपन DPI डॉट पर इंच, डॉट पर इंच में मापते हैं। और प्रिंटर की जो स्पीड होती है, प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो किस में मापते हैं, तो बात करें अगर इंपैक्ट प्रिंटर की, इंपैक्ट में आपको दो बताए थे, एक लाइन प्रिंटर और दूसरा करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की जो स्पीड अपन मापते हैं तो लाइन पर सेकंड या लाइन पर मिनट में मापते हैं, और करेक्टर प्रिंटर की करेक्टर पर सेकंड CPS या फिर करेक्टर पर मिनट CPM, LPS LPM, लाइन पर सेकंड लाइन पर मिनट, करेक्टर पर सेकंड करेक्टर पर मिनट। और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं, बिना टक्कर के फास्ट गति से जो प्रिंटिंग करते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो PPM, पेज पर मिनट या पेज पर सेकंड में मापी जाती है, पेज पर मिनट या पेज पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट अपना जो हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है दूसरा डिवाइस है प्लॉटर, दूसरा डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, वैसे अगर देखा जाए तो प्रिंटर का सबसे बड़ा जो आउटपुट देता है वो प्लॉटर ही है, प्लॉटर ही है। अब प्लॉटर होता क्या है,
प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, एक इसका एक टाइप ले लेते हैं अपन, ड्रम प्लॉटर। प्लॉटर होता है जैसे बड़े आकार में, अगर आपको बहुत बड़े आकार में ग्राफिक प्रिंट करने हो, बहुत बड़े आकार में आपको ग्राफिक प्रिंट करने हो, जैसे आप देखते हो रोड के साइड में फ्लैक्स लगे हुए होते हैं, बैनर लगे हुए होते हैं, तो उनको प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको अपन बोलते हैं प्लॉटर। इसमें सबसे पहला अपने पास टाइप है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या होता है, ये एक पेन प्लॉटर होता है, ये एक पेन प्लॉटर होता है, और इसमें जो पेपर होता है, पेपर जो है वो ड्रम के चारों तरफ लिपटा होता है, जिसके साथ में एक पिन फीड जुड़ी हुई रहती है, जिसके साथ में एक पिन फीड जुड़ी हुई रहती है, और ये पहली आउटपुट डिवाइस है जो किसी बड़ी ग्राफिक इमेज या ग्राफिक इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रिंट करने में सक्षम थी। प्रिंट करने में सक्षम थी, कैसे प्रिंट होता था ड्रम प्लॉटर में, दोबारा सुनो, ये एक पेन प्लॉटर है। कौन सा प्लॉटर है, ये एक पेन प्लॉटर है जो जिसमें जो पेपर है, पेपर जो होता है वो ड्रम के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। पेपर जो होता है वो जो ड्रम होता है ड्रम के चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ रहता है, और इसके साथ में एक पिन फीड जुड़ी हुई रहती है, इसके साथ में एक पिन फीड जुड़ी हुई रहती है जो, और ये एक पहली आउटपुट डिवाइस थी जो बड़े ग्राफिक या इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रिंट करने में सक्षम थी। बड़ी इंजीनियरिंग ग्राफिक ड्राइंग, यानी कि आपको अगर नक्शा बनाया हुआ है उस पर आपको मकान दिखाना हो कि मतलब किस तरह का मकान बनेगा, 3D में अगर आपको बना के दिखाना हो, उसका प्रिंट निकालना हो बड़े आकार में, तो आपको ड्रम प्लॉटर की आवश्यकता होगी। दूसरा होता है इंकजेट प्लॉटर। इंकजेट प्लॉटर सेम वही है जो हमने इंकजेट प्रिंटर पढ़ा था। इंकजेट प्लॉटर में किसका यूज किया जाता है, इमेज को छापने के लिए, इमेज को छापने के लिए इंकजेट प्लॉटर में इंक का यूज किया जाता है, बस इतना ही फर्क है, इंक का यूज किया जाता है। आकार में बहुत बड़े होते हैं, एक कमरे में भी अगर छोटा कमरा तो उसको तिरछा रखना पड़ेगा, इतना बड़ा प्लॉटर होता है। तीसरा प्लॉटर आता है कटिंग प्लॉटर। कटिंग प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर कौन सा होता है, इसमें आपने देखा होगा कि गाड़ियों पर नेम लिखा हुआ रहता है अलग से। पहले तो क्या थे कि जो रोड के किनारे पे बैठे होते मजदूर होते थे वो नाम लिखते थे, उनको इस आर्टिस्ट जो होते हैं उनको, जो कलाकार होते हैं वो नाम लिख देते थे कि हाँ आपको ये नाम लिखाना है, हिंदी में लिखवाना है, इंग्लिश में लिखवाना है, वो लिख देते थे। आजकल क्या कंप्यूटराइज हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, एक ठेले पे कंप्यूटर लगाया वहां पे वो लिखने लग जाते हैं, आपको वहीं पे निकाल के देते हैं वो। उनके पास में क्या होता है, कटिंग प्लॉटर होता है। क्या काम में लिया जाता है इसको, पेपर या विनाइल शीट, और इसको अपन डाइकट मशीन बोलते हैं। डाइकट मशीन आपने देखी भी होनी है, तो डाइकट मशीन कटिंग प्लॉटर का ही दूसरा नाम है। कटिंग प्लॉटर का दूसरा नाम क्या है, डाइकट मशीन। और कटिंग प्लॉटर कौन सा होता है, आप जो नाम लिखवाते हो, कई लिखवाते हैं सिग्नेचर में, कुछ भी आपने किसी भी देवता वगैरह का या फिर किसी भी बच्चे का या फिर खुद का जो भी नाम लिखवाना होता है, वो जो खुदवाया हुआ नाम होता है वो किसके द्वारा होता है, कटिंग प्लॉटर के द्वारा। वो किसके द्वारा होता है, कटिंग प्लॉटर के द्वारा। तो ये थे अपने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं अपन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसको छुआ नहीं जा सकता, इनको सभी को आप छू के देख सकते हो। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो होते हैं उनको छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले अपने दिमाग में आता है मॉनिटर, सबसे पहले अपने दिमाग में आता है मॉनिटर। और मॉनिटर क्या होता है, किसको अपन मॉनिटर बोलते हैं, तो चलो बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, डी है भी ये, परसेंटेज नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट
डिवाइस। सबसे पहला आता है इसमें मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर को, मॉनिटर का पहली बात तो दूसरा नाम, मॉनिटर का दूसरा नाम, मॉनिटर को, मॉनिटर का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, और इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। और मॉनिटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं? अगर अपन कलर की बात करें तो कलर में कोई तीन प्रकार के टोटल मॉनिटर होते हैं। पहला होता है मोनोक्रोम, पहला होता है मोनोक्रोम, दूसरा होता है ग्रेस्केल, और तीसरा होता है कलर, तीसरा होता है कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर। और ये आरजीबी, आरजीबी आप जानते हो सभी के सभी, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। क्रोम, मोनोक्रोम मॉनिटर कौन सा होता है? मोनोक्रोम मॉनिटर होता है जो केवल एक ही कलर का यूज करता है, जो केवल एक ही कलर का आपको डिस्प्ले करने के लिए यूज करता है। दूसरा होता है ग्रेस्केल, ये ग्रे कलर का यूज करता है। और तीसरा होता है कलर मॉनिटर जो आपको रंगीन आउटपुट देता है, आपको रंगीन इमेज वो दिखाता है, इमेज वीडियो या ग्राफिक जो भी है वो आपको रंगीन दिखाता है। मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं उसको आप, ब्लैक एंड व्हाइट इसको आप क्या बोलते हो, ब्लैक एंड व्हाइट। अब मॉनिटर के प्रकार की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास में प्रकार आता है सीआरटी, सीआरटी सबसे पहला अपना प्रकार जो आता है वो आता है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर आपका सबका देखा हुआ है, सामने से इस तरह से और पीछे से इस तरह से निकला हुआ होता है, जो जैसे अपना पुराने वाला जो टीवी जो होता है, टीवी जो होता है टीवी के आकार का ये होता है, पीछे से ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है, तो टीवी के आकार का ये होता है। सीआरटी टेक्निक जो है ना वो सस्ती और बेस्ट कलर देने वाली, ठीक है, बेस्ट कलर आउटपुट देने वाली टेक्निक मानी जाती है। अब भी इसमें क्या होता है, पीछे की तरफ एक ट्यूब लगी होती है जिसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। इसमें एक ट्यूब लगी होती है जिसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, और इसी ट्यूब की मदद से इसमें जो अक्षर हैं वो छपते हैं, इसी ट्यूब की मदद से जो अक्षर हैं वो छपते हैं। इसकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर फास्फोरस की जो है कोडिंग की जाती है, इसकी स्क्रीन जो है स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन से टकराते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगते हैं, इसमें सामने जो पर्दा लगा होता है उसमें पिक्सल होते हैं, पिक्सल जो होते हैं वो चमकने लगते हैं, और उसकी वजह से अपने को स्क्रीन पर उसका लेआउट दिखाई देता है, उसकी मदद से अपने को स्क्रीन पर उसका लेआउट दिखाई देता है। आप अगर पिक्सल को समझना चाहो तो पिक्सल कुछ इस तरह से, आपने मोबाइल फोन में कोई इमेज क्लिक करते हो आप तो उस इमेज को आप जैसे ज्यादा जूम करते हो तो फटती जाती है, यानी कि जो पिक्सल्स होते हैं, एक इमेज जो होती है वो बहुत सारे पिक्सल्स से मिलकर बनी हुई होती है, और जैसे ही आप उस इमेज को जूम करते हो, जूम करने पर वो क्या होता है, पिक्सल्स बड़े होने लग जाते हैं और आपको इमेज जो होती है वो फटती हुई दिखाई देने लगती है। फुल एचडी में अगर आपने इमेज की है तो वो बहुत कम फटती है, लेकिन अगर आपने लो क्वालिटी में इमेज क्लिक की है तो वो ज्यादा फटती है। जो इमेज होती है छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है, जब इमेज ज्यादा आप फैलाते हो या ज्यादा जूम करते हो तो पिक्सल्स जो होते हैं ना वो दूर दूर हो जाते हैं, पिक्सल्स जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, तो जो पिक्सल्स के बीच की दूरी होती है, दो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं डॉट पिच, इसको अपन क्या बोलते हैं डॉट पिच। दो पिक्सल्स होते हैं वो बीच, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको अपन बोलते हैं डॉट पिच, डॉट पिच बोलते हैं इसको।
जब दूरी ज्यादा होगी तो इमेज जो है वो कम क्लियर होगी, जो इमेज है वो कम क्वालिटी की होगी। कम क्वालिटी की जो इमेज होती है उसमें डॉट पिच ज्यादा होती है, और हाई क्वालिटी की जो इमेज होती है जो फुल एचडी होती है उसमें डॉट पिच जो होता है वो कम होता है, उसमें डॉट पिच जो होता है वो कम होता है। दूसरा आता है अपने पास में सीआरटी के बाद में फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर कौन सा होता है? फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है जो चपटा होता है। फ्लैट का मतलब चपटा, फ्लैट का मतलब होता है चपटा। फ्लैट पैनल मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, चपटे मॉनिटर कौन से होते हैं? जो साइज में छोटे हो और एकदम से समतल हो सामने से। तो ऐसे कौन कौन से मॉनिटर हैं? दो अपने पास में ऐसे मॉनिटर होते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं। पहला होता है LCD, दूसरा होता है LED। एलईडी और LCD, LCD में क्या होता है? क्रिस्टल्स होते हैं। LCD में क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें क्या था लाइट, सॉरी सीआरटी में कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्रिस्टल भी मूव करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्रिस्टल भी मूव करते हैं। सबसे ज्यादा इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि सीआरटी जो है उसका पूरा नाम क्या है, सीआरटी जो है उसका पूरा नाम क्या है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी एक कमी थी एलसीडी की, क्या कमी थी कि इसमें जो फ्रंट फेस में आप जब भी देखते हो, अगर आप फ्रंट फेस से देखते हो तो आपको इमेज जो एकदम क्लियर दिखाई देती है, जबकि साइड फेस जो होता है वो इसका धुंधला दिखाई देता है, जो इसका साइड फेस जो होता है वो इसका धुंधला दिखाई देता है। एलईडी के बारे में अगर बात करें तो एलईडी जो है, एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और जो लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें क्या लगा होता है? डायोड लगा होता है, अभी इसमें जो है डायोड लगा होता है। मोस्टली इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ही आपसे पूछी जाती है, एलसीडी की क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी की क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा अपने पास में डिवाइस आता है सॉफ्ट कॉपी के लिए, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किसको बोलते हैं अपन? सबसे पुराना प्रोजेक्टर है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचडी जिसको अपन बोलते हैं, ओएचडी ओवर हेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। और वर्तमान में जिस प्रोजेक्टर का हम यूज करते हैं वो होते हैं डिजिटल प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है? एक ही आउटपुट को बहुत सारे लोगों को एक साथ में दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। मोस्टली इसका यूज जो होता है वो सिनेमा घरों में मूवी को दिखाने के लिए करते हैं, मूवी को दिखाने के लिए। जो अपने सामने स्क्रीन या पर्दा होता है या जो दीवार होती है, दीवार पर इसको जो रिफ्लेक्शन है वो डाला जाता है और उसी से जो इमेज बनती है। सबसे पुराना है ओएचडी ओवरहेड प्रोजेक्टर, और वर्तमान में हम किसका यूज करते हैं? डिजिटल प्रोजेक्टर का, डिजिटल प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रोजेक्टर। डिजिटल प्रोजेक्टर जो है वो कंप्यूटर या अपने पीसी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है। तीसरा आउटपुट अपने पास में डिवाइस है वॉइस आउटपुट। तीसरा आउटपुट, तीसरे आउटपुट का प्रकार है वॉइस आउटपुट। वॉइस आउटपुट कौन सा होता है? जो आवाज के द्वारा दिया जाता है, जो आवाज के द्वारा दिया जाता है, या फिर जो हमें स्पीकर देता है, जो हमें स्पीकर देता है, स्पीकर के द्वारा अपने को जो भी आउटपुट मिलता है वो कौन सा होता है? वॉइस आउटपुट होता है। अब देखो स्पीकर में आवाज कहां से, हमने तो वायर लगाया, वायर हम किसी भी डिवाइस में लगाया जा सकता है, हमारे द्वारा किसी भी डिवाइस में लगा दिया उसमें आवाज नहीं आती है, जबकि हम माइक लेके स्पीकर में लगाते हैं तो उसमें आवाज आती है। माइक लेकर हम स्पीकर में जब भी वायर लगाते हैं तो उसमें आवाज आती है। स्पीकर में ऐसा क्या है? स्पीकर में ऐसा क्या है? उसमें एक साउंड कार्ड लगा हुआ होता है, उसमें एक साउंड कार्ड लगा हुआ होता है जो वाइब्रेशन के द्वारा वॉइस जनरेट करता है।
दोबारा सुनना, स्पीकर में आवाज कैसे जनरेट होती है। स्पीकर में एक साउंड कार्ड लगा हुआ होता है जो यूजर के द्वारा माइक से जो भी इसको इनपुट दिया जाता है, माइक एक इनपुट डिवाइस है, माइक के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है साउंड कार्ड उसको वाइब्रेशन के जरिए वॉइस में तब्दील करता है, वॉइस में तब्दील करता है। यानी कि एक हमने माइक से कोई भी कुछ भी हमने इसको बोला, इनपुट दिया, तो इनपुट कहां पे जाता है, स्पीकर में जाता है। स्पीकर में क्या लगा होता है, स्पीकर में साउंड कार्ड लगा हुआ होता है, एक साउंड कार्ड लगा हुआ होता है, ये स्पीकर है, इसमें एक साउंड कार्ड लगा हुआ रहेगा। यहां पर साउंड कार्ड क्या करता है, वाइब्रेशन जनरेट करता है, वाइब्रेशन यानी कि कंपन जनरेट करता है। स्पीकर में आवाज कैसे आती है, कंपन के जरिए आती है, किसके द्वारा आती है, कंपन के जरिए। स्पीकर में जो आवाज कंपन के जरिए आती है। आज का अपना आउटपुट डिवाइस का जो टॉपिक है वो इतना ही है। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठे हैं आपसे गुजारिश है कि लॉकडाउन का जो बहाना है वो बंद करो, कोरोना का जो बहाना है वो बंद करो, और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर से बाहर नहीं निकलें, स्टे होम, और आप सेफ रहें। थैंक यू।